जो एनआरसी प्रोटेस्ट है, बुनियादी तौर से ये प्रोटेस्ट यूं कह लिया जाए कि जैसे ही असम के बाहर ये मामला आया तो ये बुनियादी तौर से यूनिवर्सिटियों से शुरू हो रहा है और जामिया और एमयू और जेएनयू से होता हुआ अब ये 30-40 कैंपसेस में ये प्रोटेस्ट काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ मैनिफेस्ट हुआ। लिहाजा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट और यूथ ही इस पॉइंट पर आकर इतने एजिटेटेड क्यों हो गए। ये बहुत साफ है कि स्टूडेंट और यूथ को ये एक्सपेक्टेशन था कि ये सरकार जो है ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी और एम्प्लॉयमेंट देगी। हो ये रहा था कि स्टूडेंट अब टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और उस तरह के बहुत सारे एम्प्लॉयबल कोर्सेज में वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से वो फ़ी दे देकर, ज़्यादा फ़ी देकर, यानी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में तो फ़ी कम होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने मोटी मोटी रकम फ़ी की दी कि हमें ये इस तरह के स्किल और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री जब मिल जाएंगे तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हुआ ये कि इनके सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री अब काम आना बंद हो गए, अब इनको एम्प्लॉयमेंट दिया नहीं जा रहा था क्योंकि जॉबलेसनेस अपने पीक पर है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का काम गवर्नमेंट ने किया नहीं। तो गवर्नमेंट इस फ्रंट पर पूरी तरह फेल है और ये स्टूडेंट अब समझना शुरू कर दिए। जैसे टेक्नोलॉजी में ये हुआ कि लोगों ने बीटेक किए, अब बीटेक के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी जॉब नहीं मिल रही, आईआईटी तक वालों को जॉब नहीं मिल रही है, वो ग्रेड सी की गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव टेस्ट देना शुरू कर दिए। तो जिन्होंने फ़ी देकर, मोटी रकम की फ़ी देकर के जिन्होंने डिग्री ली थी, अब उनको भी ये नौबत आ गई। जिन्होंने फ़ी नहीं भी दिया था तो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से डिग्री लेने के बावजूद जब उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही थी, तो यहां तक के कि अब वो बीटेक के बाद एमटेक और पीएचडी करने लगे कि एकेडमिक्स में जाएंगे, इंजीनियरिंग की एकेडमिक्स में जाएंगे, टेक्नोलॉजी की एकेडमिक्स में जाएंगे, लेकिन एकेडमिक्स में तो तब जाएंगे जब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन चलेंगे, यानी बीटेक को जॉब मिलेगा तभी तो कोई बीटेक के कॉलेजेस में स्टडी करेगा। तो कॉलेजेस बंद होने लगे, जगह जगह पान दुकान कम और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के कॉलेजेस जो ज़्यादा खुल गए थे अब ये कॉलेजेस बंद होने लगे। क्यों? क्योंकि जॉबलेसनेस थी। तो ये एक डिस्पेरेशन यूथ में आ चुका था और यूथ ने ये देखा कि ये सरकार झूठ बहुत बोल रही है, वादे कुछ करती है वादे पूरा नहीं करती है। इलेक्शन से पहले ये इकॉनमी और एम्प्लॉयमेंट की बात करती है और उसके बाद पूरे रिजिम में हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू करती रहती है। इससे अब स्टूडेंट और यूथ तंग आ चुके थे, लिहाजा उन्हें अब जॉब चाहिए। जॉब, वीमेन की सिक्योरिटी ये नहीं मिल रही थी, तो जो वीमेन स्टूडेंट्स हैं और यूथ हैं वो परेशान हो गई थी। और औरतों की परेशानी कई तरह से, एक तो ये कि अब औरतों में भी तालीम और बेदारी आ गई है रफ्ता रफ्ता, दूसरे ये कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम औरतों में ज़्यादा है। यानी आप देखेंगे कि अच्छी फैमिलीज़ में भी उनके पेरेंट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट है या लैंड ओनरशिप की सर्टिफिकेट है, लेकिन औरतों में निस्बतन कम है, काफ़ी कम है। तो ये जो पूरे फैमिली पे ही जब अब हमला होने लगा, डिटेंशन सेंटर्स का जो हिसाब किताब देखा गया तो उसमें ऐसा लगा जैसे कि फैमिली पर हमला हो रहा है। तो फैमिली बहुत ही मजबूत इंस्टीट्यूशन है साउथ एशियन सोसाइटी में। जब फैमिली कोई ब्रेक करने के लिए स्टेट सीधे सीधे हमला कर रही हो NPR और NRC के बहाने, तो फैमिली को बचाने उमूमन पहले औरतें आती हैं और इसलिए अभी फ्रंट लाइन पर औरतें हैं इस पूरी तहरीक के। और स्टूडेंट और यूथ अपने अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को का सोल्यूशन चाह रहे हैं जो गवर्नमेंट देती नज़र नहीं आ रही है। उन्हें री एलेक्ट किया गया कि अब ये ध्यान देंगे, लेकिन री एलेक्ट होते ही ये लगे पोलराइजेशन का काम करने, डिवाइसिव काम करने। इन चीज़ों से यूथ बिल्कुल तंग आ चुका था। एक पहलू और है, वो ये है कि ये एंटी मुस्लिम हेट्रेड स्ट्रॉन्ग हो रहा था, पॉपुलराइज हो रहा था। उसकी वजह है, वजह ये है कि लिबरलाइज्ड इकॉनमी में स्किल एम्प्लॉयमेंट मिला शुरू में, पंक्चर बनाने वाला, टायर ट्यूब, मोटर मैकेनिक, पेंटर, वेल्डर, इस तरह के जो काम थे जिसमें मुस्लिम यूथ ज़्यादा रहे हैं ट्रेडिशनली, इनको एक फ़ायदा हुआ था लिबरलाइज्ड इकॉनमी में। उतना बड़ा फ़ायदा वहीं के हिंदू सोसाइटी के यूथ में या हिंदू के उस क्लास के डिप्राइव्ड हिंदू ग्रुप्स के यूथ में उस तरह का
वो उस तरह की एफ्लुएंस और प्रॉस्पेरिटी नहीं आई थी। यही एफ्लुएंट मुस्लिम्स की गल्फ इकॉनमी से भी काफ़ी एफ्लुएंस आई। अच्छा, गल्फ इकॉनमी का एक दूसरा पहलू भी था कि जिन गांव के इलाके के लोग गल्फ गए और कमाए, उस एफ्लुएंस और प्रॉस्पेरिटी का मैनिफेस्टेशन उनके इलाके की मस्जिदों की में भी हुआ कि मस्जिदें तामीर होने लगीं, ऊंचे गुंबद, ऊंची मीनारें और कुछ डेमोंस्ट्रेटिव रिलीजियस रिचुअल्स जो पब्लिक डोमेन में आने लगे और वहाँ उनकी एफ्लुएंस और प्रॉस्पेरिटी दिखने लगी। तो इससे एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस और जेलसी भी ग्रो की और इस पर आरएसएस जैसी तंजीमों ने इस पर काम भी किया। हिंदुओं को एक कॉमन हिंदू कॉमन सेंस मैन्युफैक्चर किया जाने लगा कि मुसलमानों के लिए कई मुस्लिम राष्ट्र हैं जहाँ से ये एफ्लुएंस गेन कर ले रहे हैं, हिंदुओं के लिए भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो एक हिंदू कॉमन सेंस बनाया गया और हिंदू कॉमन सेंस में एंटी कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया। उनको ये समझाया गया पॉपुलर लेवल पर, सेमी लिटरेट और इलिटरेट लोगों को ये समझाया जाने लगा कि देखो ये जो संविधान है ये बुनियादी तौर से केवल अल्पसंख्यकों को प्रिविलेजेस दे रहा है और ये हिंदू राष्ट्र के मार्ग में एक बाधा है। इसलिए एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हिंदू कॉमन सेंस मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की गई है इतने दिनों में। तो ये सब इस तरह के तमाम तरकीबों से एक एंटी मुस्लिम हेटरेट का एक पूरा नैरेटिव बनाया गया और उस कम्युनल पॉलिटिक्स पर बीजेपी काफ़ी उसका फ़ायदा उठाई, इलेक्टोरल बेनिफिट उठाई और अब वो डोमिनेंट हेजिमोनिक पॉलिटिकल फोर्स बन चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में मैसिव विड्रॉवल है फंड का, पैसा है ही नहीं। अब जब आप एजुकेशन और हेल्थ, पब्लिक हेल्थ केयर और पब्लिक एजुकेशन, इन सब को आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है, बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है, पैसे नहीं हैं, इन सेक्टर से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर से उनको बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रेलवे में मैसिव प्राइवेटाइजेशन हो चुका और सारे पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो वहाँ और एम्प्लॉयमेंट श्रिंक कर रहा है। इन सब का ह्यूज डिसकंटेंट है तमाम यूथ में और इसीलिए यूथ का एंगर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इस पर हुकूमत को काफ़ी संजीदगी से काम करना चाहिए कि जब तक ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ नहीं आएंगे, यूथ के डिसकंटेंट को ये एड्रेस नहीं करेंगे, ये सिर्फ कम्युनल डिवाइसिव पॉलिटिक्स से आगे बहुत आगे नहीं जा सकते। लोग तंग आ चुके हैं इस तरह की पॉलिटिक्स से, तो इसलिए ये स्टूडेंट, यूथ और वीमेन के तमाम डिसकम्फीचर, डिसकंटेंट और उनके एस्पिरेशंस को एड्रेस करना होगा इस हुकूमत को, वरना इस हुकूमत की परेशानी रहेगी। और रही बात डिटेंशन सेंटर की, तो वही डिटेंशन सेंटर की हालत देखकर लोग और डिस्पेरेट होते हैं और एजिटेट होने के लिए, प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए फर्दर एजिटेटेड होते हैं कि अगर ये आज रेजिस्ट नहीं किए तो ये ऐसी क्रूएल रिजीम है कि न जाने कितनी बड़ी आबादी को डिटेंशन सेंटर में डाल देगी। और जो लोग ठंडे दिमाग से इसके इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट को स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें ये ख़तरा साफ नज़र आ रहा है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए कितना डिटेंशन सेंटर कहाँ बनेगा और वो डिटेंशन सेंटर और आगे क्या करेगा। इसमें एक और मसला है, वो ये है कि गुजरात के अंदर पिछले कई सालों से जो होता रहा है कि अहमदाबाद में एक जूहा पूरा घेटो बना दिया गया है और फोर्स कर दिया गया है कि सारे मुसलमान वहीं हो जाएं, कॉन्फाइन हो जाएं जूहा पूरा जैसे स्लम्स में, तो हिंदुओं के एक तबका में इतनी नफरत भर दी गई है कि वो चाहते हैं कि हर छोटे बड़े शहर में इस तरह का मुस्लिम स्लम जूहा पूरा बने और बाकी उसी शहर के दूसरे हिस्से में एक अपर मिडिल क्लास के लिए एक खूबसूरत सा शहर, डेवलप्ड, पूरी गेटेड सोसाइटी, चौड़ी सड़कें, पार्क, लॉन, सब कुछ रहे। तो ये जो इस तरह का जो एक ग्रेडेड सिटीजनशिप बनाया जा रहा है कि एवरीडे लाइफ में भी ग्रेडिंग रहेगी कि बाय वर्चू ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी किसी को जुआपुरा जैसे घेटों में बंद कर दिया जाए और बाकी जगह जो है उसी शहर में एक डेवलप्ड जोन भी बनाकर दिखाया जाएगा कि देखिए साहब यहाँ सब कुछ है और इसलिए हम तो विकास कर चुके और इस विकास के मार्ग में बाधा सिर्फ मुसलमान है और इसलिए इसको
इससे निजात पाया जाए, इनको कहीं और किसी, तो डिटेंशन सेंटर एक मेटाफर है। डिटेंशन सेंटर जैसा जुहापुरा तो अहमदाबाद में बन ही चुका है, अब हर शहर में ये देखने की जो तमन्ना है कम्युनलाइज्ड हिंदू सेगमेंट को, ये हिंदुस्तान को बहुत बड़े ख़तरे में तब्दील कर में डाल रहा है। और इस पर नज़र इंटरनेशनल फोर्सेस की भी है, इंटरनेशनल मीडिया की भी है, और हिंदुस्तान में भी जहाँ का हर सातवां शहरी मुसलमान हो, उस उतनी बड़ी आबादी के खिलाफ इतनी बड़ी नफरत पाल कर कितने दिन तक चला जा सकता है। हिंदुस्तान को इज़राइल बनाना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके इम्प्लीकेशंस बहुत ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा अब आम हिंदुस्तानियों को आगे आना होगा कि हिंदुस्तान को इज़राइल बनाकर नहीं रखा जा सकता है। आम हिंदुस्तानियों को इस रेजिस्टेंस की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर अब गवर्नमेंट को मजबूर करना होगा कि वो गवर्नमेंट इकॉनमी और एम्प्लॉयमेंट देखे, डेवलपमेंट देखे, गवर्नेंस देखे, न के सिर्फ और सिर्फ नफरत की बिना पर ये हुकूमत करती चली जाए। ये अब लग रहा है कि ये बात अब यहाँ पर आकर ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट था जहाँ पर जिस पॉइंट के बाद अब ये रेजिस्टेंस होना ही होना था, लिहाजा ये रेजिस्टेंस होपफुली ये और मल्टीप्लाई करेगी और ये एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी और ये एक कदम और होगा हिंदुस्तान को और उसकी जमहूरियत को मज़ीद मजबूत करने की जानिब। अब ये कमज़ोर तबकों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को जोड़ेगी और इनका पोलिटिसाइजेशन होगा और इसी पोलिटिसाइजेशन से और असर्शन से इनका एम्पावरमेंट होगा। ये अपना हक इस संग दिल ज़माने से ये छीन कर ही मानेंगे।